इंदौर का रहने वाला एक परिवार पिकनिक मनाने के लिए निकला। इसी दौरान परिवार की 19 साल की जैनब और उसके पिता तैयब अली के साथ एक अजीब हादसा हो गया। दोनों एक जलाशय में नहा रहे थे, तभी जैनब अपने गीले कपड़े बदलने के लिए पास में खड़ी अपनी कार के पास गई। उसने गलती से इग्निशन चालू कर दिया, जिससे कार लुढ़क कर जलाशय में चली गई। गाड़ी का मतलब चाबी मैंने घुमाया और गाड़ी चलती बनी, तो अब मैं मेरे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं था। मैंने सोचा भी कि मैं ब्रेक लगाऊँ, क्या करूँ, कूद जाऊँ, सब मुझे चिल्ला रहे गाड़ी से कूद जाओ। मैंने कूदना भी चाहा, बहुत कुछ करना चाहा उस वक्त भी। मैं चाहती थी मैं पैनिक ना हो, और मैंने सोचा बहुत कुछ करने के लिए कि मैंने कूदना चाहा इतनी देर में, तो मैं सोच रही हूँ कूद जाओ। इतनी देर में किसी ने शायद मेरा हाथ पकड़ा, मेरे डैडी बोल रहे मैंने तेरा हाथ पकड़ा था, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। जैनब के पेरेंट्स और वहां मौजूद लोगों ने कार को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। घटनाक्रम में तो मुझे इतना ही पता है कि मेरी गाड़ी चलती हुई चली गई थी, और मैं जैनब और मेरे हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए चिल्ला रही थी कि बचाओ, उनको तैरते नहीं आता, बचाओ मेरी गाड़ी, बच्ची मेरी गाड़ी में है। किसी को ये नहीं पता था कि पन गाड़ी है तो अंदर बच्ची है, इसलिए मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई थी बचाओ जैनब को, बचाओ तैयब जैनब को बचाओ, बस इतना ही मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। तो सारे लोग इकट्ठे हो गए और हमारी मदद को पहुँचे। हमने बहुत कोशिश करी रोकने की, कम से कम 7-8 जने थे, हमने गाड़ी को पकड़ा और रोका कि गाड़ी रुक जाए, या फिर स्टेयरिंग सीट अपने स्टेयरिंग वाला दरवाज़ा खुल जाए ताकि हम स्टेयरिंग संभाल ले, तो भी वो हुआ नहीं। आखिरकार ये हुआ कि मैं और मेरी बच्ची साथ में कुंड में जाके गिर गए। तभी वहाँ पे सामने बच्चे सब नहा रहे थे, लोग भी नहा रहे थे उधर। वो एक ने तो जो फरिश्ते थे वो नाम सुमित मेठी हुए, उन्होंने मुझे देखा, वो ऊपर से चिल्ला रहे थे कि यार इनको टेंडर नहीं आता है, तो वो मुझे बचाने आ गए। खुशकिस्मती से पास से गुजर रहे एक शख्स ने पानी में छलांग लगा दी और जैनब को बचा लिया, जबकि उसके पिता को आसपास के दूसरे लोगों ने निकाल लिया। एक गाड़ी थी, वो अपने आप रोल होके जैसे गिर रही थी, उसमें एक फैमिली थी, 3 लोग थे उसमें एक्चुअली। तो 3 लोगों में से एक जो बच्ची थी, जो शायद 13-14 ईयर्स की होगी, वो बच्ची गाड़ी के अंदर ही थी, और वो बच्ची को गाड़ी से निकालने के लिए उसके फादर ट्राई कर रहे थे, डोर ओपन करा, लेकिन विंडोज सारी क्लोज थी, उसके वजह से वो कार रुक नहीं पाई, वो कार फॉल में गिर गई और कार के साथ वो अंकल भी गिर गए थे। पुलिस के मुताबिक लापरवाही से कार को जलाशय के काफ़ी नज़दीक पार्क करने की वजह से ये हादसा हुआ।